हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है मॉर्निंग के बज रहे हैं कोई पौने छः बजे और मैं उठी थी साढ़े पाँच बजे तो सोचा ना थोड़ा सा छत पे जाकर देखती हूँ मौसम कैसा हो रहा है तो सुबह सुबह में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग देख सकते हैं इतनी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी मतलब एकदम फ्रेशनेस सी आ गई है तो मैंने सोचा चलिए आज का ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ मॉर्निंग से बहुत दिन से ना मॉर्निंग से मतलब अर्ली मॉर्निंग ब्लॉग नहीं जा रहा है तो मैंने बस सोचा आज का ब्लॉग मैं यही आप सबके साथ में शेयर करती हूँ तो बस आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर देना तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे बच्चे सो रहे हैं और हस्बैंड भी उठ गए थे तो रात क्या हुआ ना मैंने हस्बैंड को बोला था दही जमाने के लिए लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे मतलब इसमें जामन डाला नहीं डाला ये दही जमी नहीं है तो ये ना दोबारा डाल के मतलब रख रहे हैं आए तो थे ये अपने लिए किचन में चाय बनाने के लिए लेकिन अभी ये सब हो रहा है बढ़िया से धोना चमका के कई दिन में धुलाई हो रही है नीचे की कई दिन में हो रही है आज नीचे की धुलाई फिर लग जागा है पहले जीने में मार लो जीना देखो गंदा तो है नहीं। गंदा तो है नहीं। अच्छा मतलब ऐसा तो निकलेगी ना धूल ओ वाला गंदा तो नहीं है ना जो होना चाहिए दीवारों पर से ही लेना ऊपर से कल, कल 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 पानी की आवाज है ऊपर आके ऊपर से मारो ऐसे हम्म तभी तो फायदा होता है जीना धोने का कितनी बढ़िया खुशबू वाली है खुशबू जैसे बारिश मार रहा है हुँ। हुँ। तो देखिए फ्रेंड्स उधर ना हसबेंड ने बोला कि चलो मैं ना आज बाहर पानी मार देता हूँ डेली डेली पानी नहीं लग पाता है बाहर और कभी कभी ऐसा होता है ना जैसे आजकल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब सी चल रही है तो डेली नीचे मतलब सारे में झाड़ू भी नहीं लग पाती है बस गेट के सामने सामने तो मैं लगा देती हूँ जब जीने वगैरह में झाड़ू लगती है ना तब तो हस्बैंड ने बोला चलो मैं जीना वगैरह धुल देता हूँ जीना गंदा तो है नहीं मतलब लेकिन फिर भी ना मतलब झाड़ू से करने की सफाई और फिर पानी से मारो ना तो वो ऐसा ही लगता है पानी से कि कितनी ज़्यादा गंदगी मतलब और निकलती भी है लगता ही नहीं निकलती भी है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा तो जो धुलाई से सफाई हो जाती है ना वो झाड़ू से या पोछे से नहीं हो पाती है तो अभी वो उधर अपना जीना वगैरह धुल रहे हैं और उनका भी काम कंप्लीट होने ही वाला है मैंने सोचा इतने मैं अपना जो है यहाँ का झाड़ू वगैरह और जो हस्बैंडस होते हैं ना इस पर चार पे वो मैं हटा देती हूँ कपड़े वगैरह सब रख देती हूँ तो मेरा भी जो काम हो जाएगा क्योंकि ना अभी सबसे पहले अब साफ सफाई का ही कर लेते हैं सुबह में क्योंकि बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियाँ और गर्मी भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हो रही है तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो जो सबसे पहले काम होता है झाड़ू पोछा का ही क्या <coughs> यहाँ पर हसबैंड पता नहीं क्या आगे क्या, आगे क्या लिख रहे थे यार किसी लेट पड़ी हुई मिल गई थी तो ना फ्रेंड्स बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो सबसे पहले ना झाड़ू पोछे से ही हमारी शुरुआत होती है वरना पहले क्या होता था ना कि मतलब किचन की तरफ मैं झाड़ू लगाती थी और सबसे पहले मतलब बच्चों का नाश्ता वगैरह ये सब ही करना होता था क्योंकि बच्चों के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था लेकिन अभी ना थोड़ा सा रूटीन चेंज सा हो गया है सबसे पहले मतलब झाड़ू वाला सफाई मतलब होती है उसके बाद से ही क्योंकि बच्चे भी साढ़े सात आठ बजे से पहले तो उठने का नाम ही नहीं लेते हैं तो बस उसी हिसाब से जो है अभी काम भी हो रहा है रूटीन छुट्टियाँ पड़ने के बाद में चेंज हो गया है मेरा तो शायद सबका ही चेंज हो जाता है तो बस अभी मैंने सोचा सारे में मैंने झाड़ पूछ कर ली थी बिस्तर वगैरह मतलब जो खाट वाले थे ना वो रख दिए एक्स्ट्रा और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू आज बृहस्पतिवार है तबीयत भी थी मेरी ठीक नहीं है और बृहस्पतिवार को ना मैं जब मेरे याद नहीं रहती है ना तब मैं पोछा लगाती हूँ वरना तो मैं ना बृहस्पतिवार को कम से ही पोछा लगा रही हूँ तो आज मेरे मतलब ये तो याद रहता है कि हाँ बृहस्पतिवार है लेकिन ये याद नहीं रहता पोछा लगाना नहीं तो कभी कभी लगा देती हूँ कभी कभी नहीं लगाती हूँ दोनों ही काम हो जाते हैं लेकिन आज मैं नहीं लगाऊंगी तो उधर हस्बैंड नीचे पानी वगैरह मार के आ गए थे और ये कर रहे हैं यहाँ पर अपनी पूजा नहा धो के तो मॉर्निंग की पूजा यही कर जाते हैं अभी क्योंकि इनका ड्यूटी का टाइम होता है और उधर मैं जो है अपना लगा रही हूँ सब्जी रखी हुई है मेरी तो पराठे बनाऊंगी और मैंने ना कच्चे आम की सब्जी बनाई थी वो रखी हुई है तो बस अब आज ये पराठे मतलब खाने वाले हैं पराठे खाते नहीं है ये बच्चे बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ एक दो पेड़े पेड़े बना दो तो पेड़े खा लूंगा लेकिन इस टीम में तो पड़ेगा ना हैं है? कैसे पेड़े।, पेड़े पेड़े मैं खाता ही नहीं लड्डू पेड़े का मुझे शौक ही नहीं सब है। तो है। <laughs> ना भाई ऐसा कुछ नहीं है लड्डू पेड़े मैंने कभी नहीं खाए ना रसबुल्ले खाता हूँ मीठे में कोई चीज नहीं खाता हूँ समझे मीठे में कोई चीज पसंद तो बस नहीं अभी हस्बैंड ने अपना काम कर लिया है और मैं गूंद रही हूँ यहाँ पर आटा पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे थे तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग है रियल भी कभी कभी सुना देना चाहिए उसके बाद से मैं बनाने लगी हूँ रोटी तो आज मैं बनाऊँगी ना समोसा पराठा बना के दूँगी कभी कभी ये बोलते हैं ना कि करारा करारा सा करके दो ना तो मॉर्निंग में अच्छा लगता है तो पराठे मैं ना घी के ही सेकती हूँ रिफाइंड वगैरह के नहीं सेकती हूँ मुझे कम से कम दो से तीन साल हो गया है पहले तो मैं रिफाइंड लगा लेती थी लेकिन अभी ना मैं घी के ही पराठे बनाती हूँ सुबह को और मैं तो खाती नहीं हूँ लेकिन बच्चे खाते हैं जो भी स्कूल वगैरह को लेके जाते थे तब भी मतलब घी के ही बनते हैं पराठे फिर चाहे कैसे ही बने कम बने ज़्यादा बने तो देखिए मैंने अभी के लिए ये पांच पराठे बना के मतलब लोहियाँ इनके रख ली हैं और बच्चों के लिए और इनके लिए ही बनाऊंगी क्योंकि एक तो ही पराठा हस्बैंड खाते हैं वो भी ज़बरदस्ती सुबह को नहीं खा के जाते हैं तो बस दे दिया था खा गए दही वगैरह से और बच्चे उठेंगे तो बच्चों के लिए भी ना मैं अभी हाथों हाथ ही बना दूंगी क्योंकि बच्चे भी अभी उठने ही वाले हैं तो इसलिए मैंने सोचा चलिए उनके लिए भी मैं बना के रख दूंगी क्योंकि ना इतनी गर्मी में एकदम गरम गरम तो खाया नहीं जाता बच्चे तो गरम गरम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो बस आधे घंटे तक तो आधे एक घंटे तक तो हम खा ही सकते हैं बना हुआ इतनी ही देर तक मैं देती हूँ वरना बासी मतलब नहीं जब भी खाते हैं ना बच्चे या बड़े तभी मेरे घर में हाथों हाथ बनता है तो देखिए फ्रेंड्स बन रहे हैं मेरे यहाँ पर पराठे एकदम से करारे करारे फूले फूले से आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए सुबह सुबह का तो बस उसके बाद ही मैंने सोचा ये सब काम करने के बाद मैं जो है अपना बाकी का काम लास्ट में करूँगी तो हस्बैंड ना दही लेकर के आ गए हैं मैंने सोचा चलिए दही मतलब मैं पूछ रही थी कि दही ऐसे ही लेंगे लस्सी तो इन्होंने जो लस्सी बना के जो है ली है क्योंकि ना सुबह में हो या दोपहर में हो लस्सी वगैरह मिल जाए ना फ्रेंड्स इतनी गर्मी में तो बहुत ही अच्छा रहता है जितना हम लिक्विड पियेंगे ना उतना बहुत अच्छा रहता है कि लस्सी से ना सी नहीं आती है तो इन्हें पसंद भी है और अब तो मैं भी ले लेती हूँ तो देखिए बन गए हैं मेरे पराठे कच्चे आम की सब्जी है और इन्होंने लस्सी ना अपने लिए थोड़ी ली थी थोड़ी मेरे लिए बचा दी तो मैंने और दे दी है क्योंकि ये ना कल वाली दही है रात जो जमाई थी वो तो बिल्कुल भी जमी नहीं थी तो अभी वो जमाने रखी है दोपहर तक जमेगी और यहाँ पर मेरे पराठे एकदम करारे करारे फूले फूले बन रहे इन्हें ना ऐसे ही पसंद है थोड़े से करारे से करके इसलिए मैंने ऐसे ऐसे बनाए हैं तो अभी जो है यहाँ पर इन लोगों का तो हो गया है कंप्लीट मैंने सोचा लगे हाथ तो मैं भी अपने लिए दो रोटियाँ बना लेती हूँ क्योंकि मैं पराठे नहीं खाऊँगी ना तो मैं रोटी अपने लिए बनाऊँगी और मैंने तो फिर घी भी नहीं लगाया था अपने लिए ऐसे ही मतलब खाई थी लस्सी ले ली थी और आम की सब्जी ना मुझे थोड़ा नुकसान सा भी देगी तो बस ऐसे ही आ, तो रोटी खाएगा बीच बीच में ना हस्बैंड कुछ भी बोलती जाते हैं तो अभी जो है अभी इन्होंने नाश्ता वगैरह अपना कर लिया है और मैं भी अपना यहाँ पर बुरु वगैरह कर रही हूँ क्योंकि नाश्ता करके ना मुझे सबसे पहले दवाई लेनी होती है तो बच्चे ना अभी सो ही रहे हैं बस यही था मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन इससे आगे का रूटीन मैं अब करूँगी अपना शुरू जब बच्चे उठ जाएंगे लेकिन इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना बाय बाय फ्रेंड्स थैंक यू